चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है गांधी शांति पुरस्कार। हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इनकी घोषणा हाल ही में हुई है और ये 2019 और 20 के लिए दिया गया है। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, गांधी शांति पुरस्कार के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जिन दो व्यक्तित्व को दिया गया है, जिनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है और ये घोषणा 2019 और 20 के लिए की गई है। वर्ष 2019 के लिए ये पुरस्कार ओमान के सुल्तान को दिया गया है। ओमान के स्वर्गीय सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को ये पुरस्कार 2019 के लिए प्रदान किया गया है और 2020 के लिए ये पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है, जो कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो चलिए अब देखते हैं गांधी शांति पुरस्कार के बारे में कि इसकी शुरुआत कब हुई और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी शुरुआत 1995 में होती है, गांधी जी की 125वीं जयंती के मौके पर इसकी शुरुआत की गई थी। भारत सरकार के द्वारा ये हर साल दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसमें नस्ल, जाति, लिंग इत्यादि और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। इस पुरस्कार को प्रदान करने के लिए एक जूरी होती है जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री करते हैं और इसके अलावा इसमें दो पदेन सदस्य होते हैं, जिसमें से एक विपक्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के जो नेता होते हैं वो होते हैं और दूसरे उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश इसके पदेन सदस्य होते हैं। इस बार की जूरी में दो प्रतिष्ठित सदस्य भी शामिल थे, जिसमें से एक थे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और दूसरे थे सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक विंदेश्वर पाठक। तो ये दो सदस्य थे। इस पुरस्कार के अंतर्गत जो सम्मान दिया जाता है उसके अंदर 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है, एक इसके अंदर प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक पट्टिका दी जाती है और एक बहुत ही सुंदर पारंपरिक हस्तकला और हथकरघा से बनी हुई वस्तु इसमें प्रदान की जाती है। गांधी शांति पुरस्कार बहुत ही विशेष पुरस्कार है। ये उस व्यक्तित्व या संस्थान को दिया जाता है जो या तो अहिंसा के मार्ग पर चलकर या गांधीवादी तरीकों से अपने समाज में, अपने राष्ट्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाता है। तो जो भी संस्था इस तरह के बदलाव लाती है या जो भी व्यक्ति इस तरह के बदलाव अपने देश में लाता है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि इन दो व्यक्तित्व जिनको ये पुरस्कार इस बार दिया गया है उनका अपने राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही अहम योगदान रहा है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सुल्तान कबूस बिन सैद अल के बारे में, जो कि ओमान के सुल्तान थे। 2019 का गांधी शांति पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है और ये मरणोपरांत इनको दिया गया है। इनका जन्म 18 नवंबर 1940 को हुआ था और पिछले वर्ष 10 जनवरी को इनका निधन हो गया था। इनके बारे में अगर और विस्तार से हम बात करें, 23 जुलाई 1970 को इन्होंने ओमान के सुल्तान की जिम्मेदारियां संभाली थी और ये जिम्मेदारियां इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही बखूबी निभाई। वह मस्कट और ओमान के सुल्तान सैद बिन तैमूर के इकलौते बेटे थे और इनकी पूरी शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी, जिसका प्रभाव भी इनके व्यक्तित्व पे देखा गया था। अपनी शिक्षा के बाद यानी कि ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने कुछ समय तक ब्रिटेन की सेना में भी काम किया और 1966 में ओमान वापस आए। यहाँ इनके पिता ने इनको बहुत सारी पहरेदारियों में रखा, बहुत सारी रोक टोक इन पे लगाई जिनके अंदर ही ये रहे और बाद में इन्होंने इस्लाम को भी कबूल किया। 1970 में ब्रिटेन की मदद से ही इन्होंने अपने पिता को सत्ता से बेदखल कर दिया और खुद वहाँ के सुल्तान बन गए। सुल्तान की पदवी इन्होंने ग्रहण कर ली और वहाँ का राजपाट उनके विचारों के हिसाब से अब चलने लगा। 1970 में जब ये सुल्तान बने तो इन्होंने अपने देश का आधुनिकीकरण किया। अपने देश के आधुनिकीकरण के लिए ये जाने जाते हैं, जिसका ओमान को बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ। उनकी ही नीतियाँ थी जिसकी वजह से ओमान को दुनिया में एक विशेष नज़र से देखा जाने लगा, वो विकसित होने लगा और ओमान के लोगों का जीवन स्तर भी बहुत ऊंचा हो गया। इन्हीं की वजह से इन्होंने देश के विकास की नई परिभाषा घड़ी, ये कहा जा सकता है।
और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इन्होंने किया, अपने देश में गुलामी प्रथा का इन्होंने अंत कर दिया। तो इस तरह के इन्होंने विकास कार्य किए, तो जिसकी वजह से ओमान काफ़ी विकसित हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं अब बंगबंधु के बारे में, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान के बारे में। शेख मुजीबुर रहमान का व्यक्तित्व तो किसी से छुपा नहीं है, भारत से भी इसका अंतर संबंध है। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री को 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। इनको जतिर पिता या राष्ट्रपिता भी कहा जाता है बांग्लादेश का, और इनको ये पुरस्कार 2020 के लिए दिया तो गया ही है, लेकिन इसके अलावा हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर थे, तो उन्होंने ये पुरस्कार इनकी दोनों बेटियों को प्रदान भी किया, जिनमें से उनकी एक बेटी शेख हसीना वहाँ की वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं, और दूसरी बेटी रेहाना है, जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। बांग्लादेश के ये पहले प्रधानमंत्री रहे हैं 72 से 75 के बीच में, और उसके बाद में इन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति का पद संभाला था। इनकी जीवनी की बात करें या इनकी शुरुआत की बात हम करें, तो इनका जन्म 17 मार्च 1920 को हुआ था, अविभाजित भारत में हुआ था, और गोपालगंज जिले के तुंगीपारा गांव में इनका जन्म हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हुआ था उसकी अगुवाई इन्होंने की थी, और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके बांग्लादेश का निर्माण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसी की वजह से इनको बंगबंधु कहा जाता है, यानी कि बंगाल का निर्माण करने वाला बंधु इनको कहा जाता है। इनके बारे में अगर हम और बात करें, तो जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान ने 72 में सत्ता संभाली, चीज़ें ठीक थी, और इन्होंने युद्ध से तहस नहस अपने देश का पुनर्निर्माण भी किया था, लेकिन 75 में आते आते चीज़ें बिगड़ने लगी। वहाँ पर भ्रष्टाचार फैल गया, भाई भतीजावाद हो गया, आर्मी में थोड़ा सा असंतोष हो गया, और इसी दौरान 75 को ही इनके आर्मी के कुछ जूनियर अफसरों ने 15 अगस्त 1975 की सुबह इनके घर पर हमला किया और इनकी हत्या कर दी थी। इनकी दो बेटियां थीं जिनको उस समय अपने देश से बाहर जाना पड़ा, पहले वो जर्मनी गई और उसके बाद शेख हसीना भारत आ गई। भारत आने के बाद शेख हसीना ने दिल्ली में रहते हुए बांग्लादेश में के लिए काम किया, अपने देश में अपने पिता के जो राजनीतिक जो विरासत थी उसके लिए काम किया, और यहीं से उन्होंने बंगाल में उन लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जिन्होंने इनके पिता की हत्या की थी और जो इनकी विचारधारा से मेल भी नहीं खाते थे। 1981 के बाद बांग्लादेश जाकर इनको सर्वसम्मति से इनके पिता का जो दल था अवामी लीग, उसका अध्यक्ष चुन लिया गया, और बाद में इन्होंने भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कई बार कार्य किया है। तो ये इनका व्यक्तित्व था। इन्होंने क्या क्या काम किए हैं इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि शेख साहब ने जो भाषण अपना दिया था, जो भाषण बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, उसको उस भाषण को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, और उस भाषण की प्रतियां उस समय के पाकिस्तान ने देश विदेश में नहीं जाने दी थी, बावजूद इसके वो भारत के सहयोग से पूरे विश्व में सुना गया, और वो इनका भाषण बहुत प्रसिद्ध है जिसने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए वहाँ के लोगों को प्रेरित किया और बांग्लादेश की असली तस्वीर को भी देश विदेश में दिखाया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जब इस अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ तो इनके लिए काफ़ी कुछ कहा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बंगबंधु मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के अग्रणी प्रणेता हैं। गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के मुक्ति अभियान में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के अपार और अतुलनीय योगदान को मान्यता देता है। यानी कि हमने ये पुरस्कार इनको प्रदान किया है तो हमारी तरफ से इन्होंने जो आंदोलन किया था उसको सहमति है। उन्होंने संघर्ष के बाद जन्मे एक राष्ट्र में स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ और भाईचारे के संबंधों की नींव भी इन्होंने तैयार की है। साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में शांति और अहिंसा को बढ़ावा भी इन्होंने दिया है, तो इसी वजह से इनको गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है। इसके साथ ही आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे सब पर हमने विचार विमर्श कर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अगुवाई की और पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण किया,
जिसकी वजह से उन्हें बंगबंधु की पदवी से सम्मानित किया गया। कथन दो, वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है। उपरोक्त में से सत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा, आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि जोराई से संबंधित कौन सा दोनों में से कथन सत्य है, तो ये दोनों ही कथन सत्य है। जोराई जो घंटी होती है उसका निर्माण तांबे और टीन के मिश्र धातु से होता है और इसका जो निर्माण करने वाले कारीगर हैं उनको कहार और ओरजा कहा जाता है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सारे PDF उपलब्ध हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।